हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सी पे, एक फेरिस व्हील है वहाँ पे। अब किसी ने बताया था हमें, काफ़ी अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन पैलेस है वो, वहाँ पे जा रहे हैं बस स्टैंड पे। और ये बस तो आ गई है हमारी, तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, ऐसी बस चलती है यहाँ पर। और यहाँ पे कार्ड का गाइस। अभी पहुंच गए हम लोग यहाँ पर, हमें जाना उधर सामने साइड, यहाँ से उधर होते हुए इसके पीछे से होके जाना है उधर। वी आर वेटिंग फॉर अ लाइट। जिस जगह पे आज हम जा रहे हैं उसको यह बाकू सिटी का बाकू आई भी बोलते हैं, जगह का नाम है। उसी जगह पे इन्होंने फिर व्हील लगा रखा है काफ़ी बड़ा। तो वो ये किसी ने सजेस्ट किया था हमें कि यहाँ आए हो तो वहाँ पे जाना, काफ़ी अच्छी जगह है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। गाइस वो आप सामने देख सकते हो फ्लेम टावर, और ये इधर इनका पूरा समुंदर का वो पोर्ट है उधर, और ये एक मॉल है, हमें जाना है उस साइड सामने। तो चलिए यहाँ से चलते हैं।
गाइस ये जो आप मॉल देख रहे हो इधर मेरे पीछे साइड में, इसका नाम है टेनिस मॉल। काफी बड़ा मॉल बना रखा है इन्होंने, इसके अंदर तो कभी जाने का मन है नहीं। वैसे क्या ये मॉल के अंदर जैसा है नहीं, कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो हमें करने नहीं है अभी। तो हम जा रहे हैं उधर सामने इस फील्ड के पास बाको आई, जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। व्यू तो यहाँ से भी इधर सामने का काफ़ी अच्छा आ रहा है। इधर आपको दिखा देता हूँ, ये सामने जो इनका एजेड टीवी, जो इनका नेशनल टीवी है उसका टावर है। चलते हैं उधर, तो उधर जो गाइस आप देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके थोड़ा। उधर उनका सामने सी पोर्ट है, जो भी पैसेंजर क्रूज से आते हैं दूसरे कंट्री से, वो उनके लिए वहाँ पर पोर्ट है, जिस एयरपोर्ट होता है उस हिसाब से। गाइस अभी हम बिल्कुल इसके पास आ गए हैं, और यहाँ पे जो इन्होंने पूरा जो एरिया बना रखा है यहाँ से लेके और आगे तक ऐसे पूरा घूम के है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने पूरा ऐसे पूरा राउंड में बना रखा है। इधर पूरे बाहर इधर तक भी आप सामने देख पा रहे हो, जो सिटी है वहाँ तक भी इनका बना हुआ है उधर काफ़ी तक। और इस पूरे एरिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ्री वाईफाई, जो भी सबको चाहिए होती है यहाँ पर, वो भी इन्होंने फ्री वाईफाई का एक्सेस दे रखा है। इस पूरे एरिया के अंदर आप आराम से इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अज़रबैजान के अंदर इंटरनेट जो है वो काफ़ी महंगा है। अपने इंडिया की तरह ये नहीं है कि 300 रुपये में रिचार्ज कराओ एक दिन का, आपको 2 GB 2.5 GB जो भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 GB का पैक या 6 GB का या 10 GB इस तरह के कुछ लेने पड़ेगा, काफ़ी महंगे हैं इंडिया के कंपेयर में, बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे इंटरनेट वगैरह। तो ये चीज़ इन्होंने अच्छी कर रखी है। अभी चलते हैं थोड़ा उस साइड इसके, और फिर चलेंगे उस साइड, और अभी थोड़ा अंधेरा होने का वेट कर रहे हैं। अंधेरा होने के बाद जो भी यहाँ पर लाइटिंग वगैरह जलेगी तो फिर और अच्छा व्यू आएगा यहाँ पे। उस दिन हम एक पहले गए थे वहाँ पर सामने ऊपर, अब देख रहे हो वहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है काफ़ी अच्छा। वो दोस्त लोग खड़े हैं फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। चलिए इधर चलते हैं थोड़ा, इधर आगे जाके दिखाता हूँ आपको। जस्ट सनसेट हो रहा है, तो उसकी वजह से तो उधर पूरी सिटी का व्यू है ना वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि उधर ही धूप पड़ रही है उस वजह से, और इसके जो हेड्स पे है इसके ऊपर भी धूप पड़ रही है। और ये वहाँ ऊपर की तो लाइट वगैरह इन्होंने जला दिया, जहाँ फ्लेम टावर है और जहाँ से ऊपर से सिटी का व्यू आ रहा है अच्छा वहाँ की। और थोड़ी बहुत देर में मे भी घंटे के अंदर जैसे अंधेरा होता है, अभी टाइम हो गया यहाँ पे 7:35, तो आप देख सकते हो अभी सनसेट ही हो रहा है, अभी भी टाइम है, लगभग घंटा और लगेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे अंधेरा होने के बाद फिर इस यहाँ का जो व्यू आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और आप सनसेट हो रहा है तो ये देखिए आप सिटी का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा आ रहा है उधर से। और ये इन्होंने फिलहाल अभी बंद कर रखा है, इसको चलाया हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है अभी। तो अभी वेट करते हैं थोड़ा, जब तक थोड़ा अंधेरा हो जाता है, फिर उसके बाद अंधेरा होने के बाद मैं फिर यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपका काफ़ी अच्छा। और धीरे धीरे अभी क्राउड भी बढ़ रहा है, का जो लोग हैं वो
अभी टाइम शाम का टाइम हो गया तो लोग फ्री हो गए हैं काम वगैरह से, तो उस वजह से अभी काफ़ी लोग भी आने यहाँ पर स्टार्ट हो गए। तो हम भी थोड़ा सोच रहे हैं कि कुछ इधर उस मॉल के अंदर जाके आ जाते हैं या फिर देखते हैं या फिर आगे जाना है, जैसे अभी थोड़ा अंधेरा होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ का व्यू आएगा वो फ़ोटो ही देखी थी इंटरनेट पे, तो उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी रियलिटी के अंदर भी देख लेंगे और मैं आपको भी दिखा दूँगा। बिल्कुल पास आ गए थे तो यहाँ से भी जो व्यू आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे इधर बच्चों के लिए इन्होंने स्केटिंग के लिए जो भी ये कर रहे हैं इनके लिए बना रखी है, थोड़ा आगे चल के आपको दिखाता हूँ। गाइस हम मॉल के साइड में बिल्कुल कुछ टेलीस्कोप भी लगा रखे हैं जिससे हम पूरे सिटी का व्यू देख सकते हैं। और इधर पोर्ट है, इधर आ गए थे हम लोग अभी, और जो सामने जो मॉल मैंने आपको दिखाया था वो मॉल है। और यहाँ से भी अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, सनसेट भी ऑलमोस्ट हो चुका है अपना। अभी इधर आपको दिखाता हूँ, इधर आप देख अभी हम लोग मॉल के अंदर आ गए थे क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई थी, और जो मॉल भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है देख सकते हैं यहाँ पर। गाइस अभी टाइम हो गया है लगभग 8:30 हो गए हैं, और अब अभी मॉल से बाहर निकलने वाले हैं अभी, क्योंकि बाहर भी अंधेरा हो गया होगा। तो अभी जो बाहर का व्यू है उधर का फेरिस व्हील, जो बाकू आई जो इस पैलेस का बाहर निकल के उधर जो फेरिस व्हील था उस जगह का नाम, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ का दिखाता हूँ मैं अभी रात के टाइम का व्यू। अभी काफ़ी अच्छा व्यू आएगा वहाँ से, तो चलिए चलते हैं। अभी बाहर भी ऑलमोस्ट अंधेरा सा हो गया है और आप लाइटिंग वगैरह से देख पा रहे होगे, आप इधर का व्यू देखिए। तो गाइस अभी बाहर आ गए थे और अभी टाइम हो गया लगभग 9:45 हो गए हैं, अभी जाके अंधेरा हुआ है कि लाइट वगैरह अभी जला दी इन्होंने सारी, जो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है अभी शाम के टाइम का। मैं अभी दिखाता हूँ आपको व्यू, इधर जो बाकवाई है, फेरिस टावर है इधर का, इधर फ्रेम टावर है,
और इधर आप मेरे पीछे मॉल वगैरह देख रहे हैं, इधर पूरी सिटी का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से। तो ये देखिए आप पहले यहाँ वो आप देख सकते हो, इधर सामने जो मॉल है जिस मॉल में हम गए थे, हम रात के टाइम पर लाइटनिंग के वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, उधर पूरे सिटी का व्यू आ रहा है। और ये जो है स्टावर है, इन्होंने भी यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी, इधर इसके नीचे पेड़ से लगा के, पेड़ नहीं बोल सकते पर पेड़ टाइप के इन्होंने लाइटनिंग कर रखी है, इसकी भी काफ़ी अच्छी लाइटनिंग कर रखी है, इसकी वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। वो सामने जो फ्लेम टावर है उन्होंने एलईडी में लगा रखा है, उन्होंने कुछ आदमी सारी अजरबैजान का झंडा लेके घर आ रहा है उसे। तो गाइस ये था कुछ यहाँ का जो बाकू आई है, और ये जो इसके पास जो मॉल है इसका कुछ दिन का व्यू जो आपने देखा दिन में, और अभी कुछ रात का व्यू मैंने अभी आपको दिखाया है, तो काफ़ी भी रात में काफ़ी प्यारा लग रहा है, दिन में तो इतना ठीक था, मतलब अच्छा था कहने को, बट जो अभी लाइटनिंग की वजह से जो दिख रहा है ना उसका एक अलग ही बात है, आप खुद ही देख पा रहे हो दिन के और रात के उसके डिफरेंस। तो गाइस इस वीडियो को भी रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।